हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फैक्टोरियल के ऊपर बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट बार सिखाया जाता है तो उन्हें यह एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो वन के बराबर होती है, क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन के हिसाब से अगर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू निकले जाए तो वो तो ज़ीरो होनी चाहिए थी, लेकिन हम उसे वन के इक्वल लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स को इसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम इस वीडियो में यही कारण जानेंगे कि जीरो फैक्टोरियल को वन के बराबर क्यों लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो वन फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू वन होती है। उसके बाद अगर टू फैक्टोरियल को देखा जाए तो उसकी वैल्यू होती है टू इंटू वन, मतलब टू। इसी तरह से अगर थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू देखी जाए तो वो होगी थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब सिक्स। इसी तरह से अगर फोर फैक्टोरियल की वैल्यू देखी जाए तो वो होगी फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब 24। इसी तरह से हर एक नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल है वो निकाला जा सकता है। लेकिन अगर जीरो फैक्टोरियल की बात की जाए तो उसकी वैल्यू को हम मैथमेटिक्स में वन के इक्वल लिखते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप इन नंबर्स के जो पैटर्न है उसको गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर हम इस 4 को इस 24 में अगर डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर के रूप में 6 मिलेगा, है ना, जो कि यहाँ पर है। उसी तरह से अगर हम इस 6 में 3 का डिवाइड करें तो हमें 2 मिलेगा, जो कि यहाँ पर है। उसी तरह से अगर इस 2 में इस 2 का डिवाइड करें तो हमें 1 मिलेगा, तो जो कि यहाँ पर है। ठीक है, हर बार ऐसा पैटर्न फॉलो होता है। अगर हम इस 1 में इस 1 का डिवाइड करें तो वो भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर सारे नंबर्स इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर भी वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो वन होनी चाहिए, है ना। तो यही कारण होता है कि जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू है उसे वन के बराबर लिखा जाता है। अब अगर आप सोचो कि इसी तरह से अगर सारे नंबर्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो हम माइनस वन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें इस वन में ज़ीरो को डिवाइड करना होगा। तो अगर हम वन में ज़ीरो को डिवाइड करें या फिर किसी भी वैल्यू में ज़ीरो को डिवाइड करें तो हमें जो आंसर है वो इन्फाइनाइट मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जो फैक्टोरियल है वो नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उसका जो आंसर है वो इन्फाइनाइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीरो फैक्टोरियल को वन के बराबर क्यों लिखा जाता है। अगर फिर भी आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। अभी तो इस वीडियो में यही तक था। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।